वायर जिसे हम तार भी कहते हैं, हमने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे टाइप्स के तार देखे हैं, जैसे कॉपर वायर होता है, लोहे का तार होता है, स्टील का तार, एल्यूमिनियम का तार, अलग अलग टाइप्स के वायर देखते हैं जिनका अलग अलग यूज़ भी है, किसी सामान को बांधने के लिए या किसी दो वस्तु को अगर बांधना है तो हम मजबूती के साथ बांधना है तो हम तार की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जो हमारा नया घर बनाया जाता है, जब उसका ढांचा तैयार किया जाता है तो उसमें दो सरियों को बांधने के लिए एक तार की आवश्यकता पड़ती है जो लोहे का तार होता है। लेकिन आज के हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल वायर को जानेंगे। इलेक्ट्रिकल वायर क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है, करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो कराने के लिए हमें एक तार की आवश्यकता पड़ती है। हमने ये भी जान लिया है कि कंडक्टर के माध्यम से, किसी एक चालक के माध्यम से हम करंट को फ्लो करा सकते हैं, और सभी धातु चालक होते हैं तो धातु का हमें तार चाहिए होगा। अब धातु हमें ये तो नहीं है कि एक तार के रूप में ही मिले, वो एक शीट के रूप में भी मिल सकती है और एक किसी और अन्य रूप में भी मिल सकती है। शीट के माध्यम से हम तो करंट को फ्लो कराने से रहे कि एक छोटी सी शीट है उसके द्वारा हम दूर तक करंट को फ्लो करा देंगे। तो धातु में एक तन्यता का गुण होता है, खींचने का गुण, कि धातु को खींच कर तार बनाए जा सकते हैं। तो उस तन्यता के गुण के कारण धातु के हम तार बनाते हैं जिसका हम इलेक्ट्रिसिटी में करंट को फ्लो कराने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए आज जान लेते हैं ये इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में। इलेक्ट्रिकल वायर, विद्युतीय तार, करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो कराने के लिए जिस चालक की हमें आवश्यकता पड़ रही है वो तार कहलाता है। और तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो होता है सर्कुलर। तार हमें दो प्रकार से मिल सकती हैं, स्टैंडर्ड वायर भी हो सकती है और सॉलिड वायर भी। अब सॉलिड वायर क्या होती है और स्टैंडर्ड वायर क्या होती है? सॉलिड वायर है कि एक ठोस चालक होता है और जिसकी संख्या एक होती है, उस तार का हम यूज़ करते हैं, वो सॉलिड वायर कहलाता है। स्टैंडर्ड वायर क्या है कि जब बहुत सारे चालक को आपस में ट्विस्ट करके एक रस्सी की तरह मोड़ दिया जाता है, आपस में ट्विस्ट करके एक तार बनाई जाती है, वो स्टैंडर्ड वायर कहलाती है। दो तरह की हमें तार देखने को मिल सकती है। टाइप्स ऑफ वायर, वायर कई सारे प्रकार की होती है जिसके कुछ मेन टाइप्स हैं जो हम देख लेते हैं, मेन वायर हैं जिनका हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। आता है कॉपर वायर, तांबे की तार। तांबा एक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो कराने के लिए करते हैं। तांबे की तार भी दो प्रकार की होती है, हार्डोन कॉपर वायर और एनिल्ड कॉपर वायर। हार्डोन कॉपर वायर मतलब कठोर तांबे की तार होती है जिसका यूज़ हम ओवरहेड लाइन या अर्थिंग तार में करते हैं, अर्थिंग तार को बनाने के लिए। एनिल्ड कॉपर वायर होती है हमारी नरम तांबे की तार जिसका यूज़ मशीनों की वाइंडिंग में या अपने घरों में वायरिंग में हम करते हैं। इसे वाइंडिंग वायर, इसका एक एग्जाम्पल है सुपर इनेमल वायर, जो एक एनिल्ड कॉपर वायर है, नरम तांबे की तार है। सुपर इनेमल वायर का यूज़ हम वाइंडिंग में करते हैं, जो मशीनों की वाइंडिंग की जाती है, जैसे मोटर की वाइंडिंग है, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है, उन सब में हम सुपर इनेमल कॉपर वायर का यूज़ करते हैं। अभी इनेमल क्या है, कॉपर के तार के ऊपर एक इनेमल की परत चढ़ी होती है जो एक इंसुलेशन का काम करती है, वो हमारा सुपर इनेमल कॉपर वायर कहलाता है। एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम के भी तार बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम एक सस्ती धातु है और हल्की होती है, कॉपर की अपेक्षा बहुत सस्ती है, तो एल्यूमिनियम का यूज़ हम ओवरहेड लाइन में तारों को बनाने के लिए करते हैं। एल्यूमिनियम एक हल्की धातु है, उसे अच्छे से मोड़ भी सकते हैं। एल्यूमिनियम तार से हम स्टैंडर्ड वायर बनाते हैं, जो ओवरहेड लाइन में जो वायर यूज़ किए जाते हैं वो एक स्टैंडर्ड टाइप की वायर होती है, मतलब बहुत सारे एल्यूमिनियम चालकों को एक साथ मोड़ कर एक तार बनाई जाती है। उसका एक एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, ACSR, इसकी फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। बहुत सारे एल्यूमिनियम के चालकों को एक साथ ट्विस्ट करके और उनके बीच में एक स्टील की वायर डाल दी जाती है, ये तार जो बनती है वो ACSR वायर कहलाती है। अब इसमें स्टील वायर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि एल्यूमिनियम तार बहुत हल्की होती है और वो मैकेनिकल इफेक्ट को सहन नहीं कर पाएगी, तो स्टील की एक वायर को उसके अंदर डालकर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाती है, तो हमारा ACSR वायर तैयार होता है, जो एल्यूमिनियम वायर का ये उदाहरण है। लोहे की तार का यूज़ हम रेलवे और टेलीफोन लाइन्स में करते हैं। लोहे की तार का यूज़ बहुत कम किया जाता है, क्योंकि लोहा वातावरण के इफ़ेक्ट को कम सहन करता है, जैसे नमी के संपर्क में आया तो लोहे के ऊपर जंग लग जाएगी और जल्दी डैमेज हो जाता है। तो लोहे को एक यूज़फुल वायर बनाने के लिए लोहे के तार का जस्तीकरण किया गया, गैल्वेनाइजेशन,
कि लोहे के तार के ऊपर एक जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है जिससे हमारी बनती है GI वायर, गैल्वेनाइज आयरन वायर। गैल्वेनाइज आयरन वायर का यूज़ हम अर्थिंग में करते हैं, अर्थिंग तार बनाने के लिए। यह जो हमारे स्टे वायर होते हैं, खंबे से धरती तक एक वायर जो अटैच की जाती है वो स्टे वायर होती है। स्टे वायर को बनाने के लिए भी गैल्वेनाइज आयरन वायर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूरेका वायर। यूरेका एक मिश्र धातु है। यूरेका वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसका यूज़ हम रियोस्टेट या रजिस्टर को बनाने के लिए करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिरोधक बनाए जाते हैं यूरेका वायर से बनाए जाते हैं। नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर भी एक मिश्र धातु से बनाया गया तार होता है। अब नाइक्रोम वायर का भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि अब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट प्रोड्यूस कराने में मदद करता है। जितने भी हमारे हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उन सब में नाइक्रोम वायर का यूज़ किया जाता है। नाइक्रोम वायर भी एक मिश्र धातु से बनी तार होती है जो निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनाई जाती है। निकिल जिसमें 80% होता है, 20% क्रोमियम का यूज़ किया जाता है। जैसे हमारी प्रेस का एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट, या हमारे घरों में जो हीटर यूज़ किया जाता है उसका जो एलिमेंट है वो सब नाइक्रोम से बनाए जाते हैं। जितने भी हीटिंग एलिमेंट है सब में नाइक्रोम वायर का यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं फ्यूज़ वायर। ये भी एक प्रकार की वायर है। इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेफ्टी डिवाइस का यूज़ किया जाता है जिसे हम फ्यूज़ कहते हैं। उसमें एक तार का प्रयोग किया जा रहा है, सर्किट में करंट का मान ज़्यादा हुआ तो फ्यूज़ जो सेफ्टी डिवाइस के रूप में यूज़ किया गया है वो फ्यूज़ वायर खुद से टूट जाती है और हमारे पूरे सर्किट की रक्षा करती है। अब जो फ्यूज़ वायर है वो एक लो मेल्टिंग पॉइंट वाली मिश्र धातु से बनाया जाता है। जो हमारे वायर होते हैं उनकी कुछ करंट रेटिंग भी होती है कि वो अपने अंदर से कितने करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो करंट, हम वायर्स की करंट रेटिंग देख लेते हैं क्या होती है। किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू कोई भी वायर अपने अंदर से आसानी से फ्लो करा देता है तो वो उसकी करंट रेटिंग कहलाती है। जैसे मान लिया कि किसी तार में से 6 एम्पीयर की करंट आसानी से फ्लो हो गई, पर जैसे ही 6 एम्पीयर से ज़रा भी करंट का मान बढ़ता है तो वायर डैमेज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे वायर की करंट रेटिंग थी वो 6 एम्पीयर थी, उससे ज़्यादा करंट को अपने अंदर से फ्लो नहीं करा सकता। किसी भी वायर की जो करंट रेटिंग होती है वो उसके प्रतिरोध पर भी डिपेंड करती है, उसके व्यास पर भी डिपेंड करती है कि वो जो तार है वो कितना मोटा है और कितना उसका प्रतिरोध है। जैसे जैसे हम तार के व्यास को बढ़ाते हैं, तार की मोटाई बढ़ती है तो उसकी करंट रेटिंग भी बढ़ती है। जितना मोटा हमारा वायर होता है, जितना व्यास उसका अधिक होता है, तार की करंट रेटिंग भी उतनी अधिक बढ़ती जाती है। किसी भी तार की विद्युत धारा की एक मिनिमम वैल्यू होती है जिस पर वो तार पिघलकर टूट गया है या पिघलकर टूट जाएगा तो वो उसकी फ्यूजिंग करंट वैल्यू कहलाती है। फ्यूजिंग करंट वैल्यू भी तार के व्यास पर डिपेंड करती है कि तार का व्यास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फ्यूजिंग करंट वैल्यू का मान भी बढ़ता जाता है कि तार जितना मोटा होगा वो उतनी देरी में टूटता है, उसमें करंट ज़्यादा प्रवाहित हो सकती है। अब हमने देखा है कि मशीन वाइंडिंग या घरों की वायरिंग में हम मोटे तार का यूज़ भी करते हैं और बारीक तार का भी यूज़ किया जाता है। अब तार के मतलब कुछ साइज होते होंगे, अब उन तार के साइज को हम कैसे मापते हैं? तो किसी भी तार के साइज को मापने के लिए एक यंत्र का यूज़ किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज को इंपीरियल वायर गेज या ब्रिटिश वायर गेज के नाम से भी जाना जाता है। स्टैंडर्ड वायर गेज एक वृत्ताकार में स्टील का बना एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी परिधि पर 36 स्लॉट होते हैं, मतलब 36 खांचे कटे होते हैं जिनसे हम तार का आकार मापते हैं। 0 से 36 तक उनके ऊपर नंबर पड़े होते हैं। एक और दो स्टैंडर्ड वायर गेज के नंबर होते हैं 0 से 36 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 36 तक। और उस स्टैंडर्ड वायर गेज के दूसरी तरफ उनका आकार दर्शाया जाता है, व्यास। अब स्टैंडर्ड वायर गेज में इससे कुछ क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है कि 7/20 का अर्थ क्या है, 7/20 का अर्थ क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड वायर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें चालकों की संख्या तो है 7, जो ऊपर 7 लिखा है वो तो है चालकों की संख्या जो हमने कंडक्टर यूज़ किए हैं। जो 20 लिखा है बटे में उसका मतलब होता है उसका व्यास, कि जो हम स्टैंडर्ड वायर यूज़ कर रहे हैं उसमें 7 तो चालक हैं, जो कंडक्टर की संख्या है वो तो है 7, और जो वो 7 चालक हैं उनका जो व्यास है, जो आकार है वो 20 है। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम केबल के बारे में जानेंगे कि केबल क्या होता है, केबल के क्या क्या टाइप्स हैं और कहाँ कहाँ हम किस केबल का यूज़ करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।